गुड मॉर्निंग बच्चों, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बेटा, हम कक्षा 11 की बायोलॉजी और एग्रीकल्चर की बायोलॉजी, कृषि जीव विज्ञान, इन दोनों पर ही चर्चा की थी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी। आज पुनः इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कोशिकाओं की संरचना और उनके कार्य। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सजीवों की कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं और इन कोशिकांगों का ही हमें अध्ययन करना है, उनके क्या क्या कार्य हैं, उनकी क्या संरचनाएं हैं। कल हमने लवक के बारे में अध्ययन किया था। लवक तीन प्रकार के देखे थे, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। एग्जाम में इनसे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और जो लवक होते हैं, हरित लवक मोस्टली हम बात करें क्योंकि उसी का अध्ययन हम विशेष रूप से करते हैं, वो दोहरी झिल्ली या दोहरी कला युक्त कोशिकांग था। ऐसे ही एक कोशिकांग का आज हम पुनः अध्ययन करेंगे और वो भी दोहरे आवरण युक्त कोशिकांग है। वो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है और ये कोशिकांग भी दोहरी आवरण या दोहरी झिल्ली युक्त आवरण से आवृत रहता है। इसे सूत्र कणिका भी कहते हैं। सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया आपने छोटी क्लासों में देखा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को ही शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। शक्ति ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर जिस प्रकार से पावर हाउस के अंदर पावर बनता है, एनर्जी बनती है, ठीक ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एनर्जी जनरेट होती है, शक्ति बनती है, पावर बनता है, जिससे सजीव के शरीर में चलने वाली विभिन्न क्रियाएं संपादित हो पाती हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था इस कोशिकांग को, वो दिया था सी वेंडा ने। सी वेंडा नाम के वैज्ञानिक थे और उन्होंने इस कोशिकांग को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। यदि हम संरचना की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है वो अलग अलग जीवों में, अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग आकार की हो सकती है। इसकी हम संरचना की बात करें तो देखिए, इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बनाई जा सकती है।
ये जो सबसे बाहर वाला है वो है बाहरी आवरण या बाहरी झिल्ली। भीतरी झिल्ली ऑक्सीजन देखिए बेटा, अभी हमने चर्चा की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एक दोहरे आवरण युक्त संरचना है, कोशिकांग है, जिसमें दो आवरण होंगे, दो झिल्लियां होंगी। एक झिल्ली सबसे बाहर वाली होगी, बाहरी झिल्ली बिल्कुल सपाट होगी, प्लेन होगी ये इस प्रकार से, और जो भीतरी झिल्ली है वो अंदर की ओर होगी। दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस कहलाएगा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसमें भी विशेष प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। भीतरी झिल्ली भीतर की ओर देखिए अनेक स्थानों पर इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपके हाथों की उंगली इस प्रकार से होती है। भाई यदि आप अपनी हथेली को देखें तो हथेली की जो अन्य पोर्शन है वो तो सपाट है, लेकिन उंगलियों वाला पोर्शन देखिएगा ऐसा लगता है जैसे उभरा हुआ हो, इस प्रकार से उभार नुमा। तो ठीक ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतरी झिल्ली होती है वो अनेक स्थानों पर अंदर की ओर इस प्रकार से उभरी हुई रचना का निर्माण करती है, और इन उभरी हुई रचनाओं को बोलते हैं क्रिस्टी। ये क्रिस्टी महत्वपूर्ण लक्षण होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया यदि हम शब्द का नाम ले रहे हैं, शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्रिस्टी आवश्यक रूप से पढ़ना होता है। इन क्रिस्टी पर देखिएगा जिस प्रकार से हम रैकेट खेलते हैं, तो हाथ में जिस रैकेट को पकड़ते हैं बिल्कुल उस रैकेट के समान रचना होती है। इस प्रकार से ये जो हमने रेड कलर में बनाई है ये क्या कहलाती है, F1 कण, या इनको बोल सकते हैं ऑक्सीसोम। इनके तीन भाग हो गए, एक तो वेस भाग या आधार भाग जो कि क्रिस्टी से जुड़ा हुआ है, एक ब्रंथ वाला भाग और एक शीर्ष भाग। शीर्ष भाग टेनिस के समान फूला हुआ होता है। इसके अलावा इस माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर दानेदार तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं, और इस मैट्रिक्स के अंदर इस माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का एक डीएनए पाया जाता है, स्वयं का डीएनए पाया जाता है। मोस्टली आप देखिएगा हम जब कोशिका द्रव्य में उपस्थित अधिकांश कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उनका स्वयं का डीएनए नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसा नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्वयं का डीएनए पाया जाएगा, और अनेक आपको छोटे छोटे कण नजर आएंगे वो माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए होंगे। ये इसके अलावा हमने यहाँ पर अनेक जो है ये डॉट्स जैसी रचनाएं बनाई हैं। ये डॉट्स जैसी रचनाएं
कहलाएंगी राइबोसोम। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि राइबोसोम हम लोगों ने दो प्रकार के पढ़ रखे हैं, 70S प्रकार और 80S प्रकार। मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम मिलते हैं वो होते हैं 70S प्रकार के, जिनमें से यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में दो भाग नज़र आएंगे आपको, एक 50S और एक 30S, बड़ा वाला भाग 50S का, छोटा वाला भाग 30S का। तो इस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है। बात करें बेटा माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करती है, तो इसके अनेक कार्य ज्ञात हैं। मेन जो काम है, अभी हमने बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम शक्ति ग्रह कहते हैं। अब इसको शक्ति ग्रह क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण ये है कि श्वसन की जो क्रिया होती है उस श्वसन की क्रिया का मुख्य स्थल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ही श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है और वो ऊर्जा एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में संचित हो जाती है। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में संचित हो जाती है, तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, जिस एनर्जी का निर्माण हो रहा है, वो एटीपी के रूप में संचित रहती है। आप लोग जब श्वसन की क्रिया पढ़ेंगे तो श्वसन की क्रिया में हम ग्लाइकोलाइसिस चक्र के बाद देखते हैं कि साहब ग्लूकोज का एक अणु ग्लाइकोलाइसिस चक्र के बाद में दो अणु पाइरुविक अम्ल के बनाता है। आगे चलकर ये जो पाइरुविक अम्ल है इसका विखंडन जो होगा वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। यदि आप वायवीय श्वसन पढ़ रहे हैं, वायवीय श्वसन पढ़ रहे हैं, तो पाइरुविक अम्ल का विखंडन हमेशा किसमें होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसको हम पढ़ते हैं क्रैब्स चक्र के दौरान। तो इस प्रकार से श्वसन की क्रिया के द्वारा जो क्रैब्स चक्र संपन्न होता है वो भी कहाँ पर संपन्न होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा। यहाँ पर जो ये क्रिस्टी होते हैं, इन क्रिस्टियों के ऊपर मिलते हैं एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। बेटा जिन एंजाइम्स का आगे सिंथेटेज लिखा होता है वो एंजाइम सामान्यतया किसी न किसी चीज़ को बनाते हैं। अब चूंकि मैं बोल रहा हूँ क्रिस्टियों पर मिलते हैं आपको एटीपी सिंथेटेज, एंजाइम, इसका मतलब ये एंजाइम किसका निर्माण करते होंगे, एटीपी का, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का। और एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का जब निर्माण होता है तो उसके लिए आवश्यकता होती है ऊर्जा की। तो मैं आपसे तभी कह रहा हूँ कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब इस प्रकार के क्रैब्स चक्र का चालन होता है तो उससे एनर्जी बनती है, और उस अत्यधिक एनर्जी का एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता, इसीलिए उस अत्यधिक एनर्जी को एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में उपयोग करके एटीपी का संश्लेषण कर लिया जाता है। और ये एटीपी ही आप कह सकते हैं ऊर्जा मुद्रा होती है सजीवों के शरीर में। जो सजीव होते हैं उनके शरीर में ऊर्जा मुद्रा के रूप में कार्य करती है। अर्थात जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति मासिक रूप से 2 लाख रुपए कमा रहा है तो क्या वो 2 लाख रुपए महीने के खर्च कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। उसको जितना भी खर्च करना है 30,000 40,000 वो तो खर्च कर लेगा, उसके अलावा जो बाकी के पैसे बचते हैं उसका क्या किया जाए, तो उसको बैंक में जाकर जमा करा देते हैं ताकि आगे भविष्य के लिए स्टोर हो जाए। ठीक ऐसे ही हम जो भी भोजन करते हैं उस भोजन का विखंडन होता है श्वसन की क्रिया के दौरान, और
श्वसन की क्रिया के दौरान विखंडन के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में एनर्जी बनती है। अब उस एनर्जी से जितना उपयोग लेना है वो तो उपयोग हो जाएगा, लेकिन जो शेष एनर्जी है उसका क्या किया जाए? तो उस शेष एनर्जी को चेंज कर दिया जाता है एटीपी के रूप में, और फिर वो एटीपी कोशिकाओं में स्टोर कर ली जाती है, ताकि भविष्य में जब भी कभी एनर्जी की आवश्यकता हो तो इस प्रकार के एटीपी द्वारा एनर्जी प्राप्त की जा सके। बेटा, आपने इससे पहले एक पढ़ा था प्रकाश श्वसन, के बारे में हमने चर्चा की थी। प्रकाश श्वसन या प्रकाशिक श्वसन, ये भी एक श्वसन का प्रकार है, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो इससे व्यक्ति को ना तो कोई लाभ है ना कोई हानि है। सजीवों को इससे ना तो कोई लाभ है ना ही कोई हानि है। तो हम बात करें कि ये प्रकाश श्वसन या प्रकाशिक श्वसन, इस अभिक्रिया में भी माइटोकॉन्ड्रिया हिस्सेदारी लेता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, पेरोक्सिसोम, ये तीनों मिलकर के प्रकाश श्वसन की क्रिया को संपन्न करते हैं। अर्थात इन तीनों में से यदि कोई एक भी कोशिकांग एब्सेंट है तो प्रकाश श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। हमको आगे 11th क्लास में ही पढ़ना है प्रकाश श्वसन। तो जब हम प्रकाश श्वसन पढ़ते हैं, उस प्रकाश श्वसन के दौरान हम ये पढ़ते हैं कि प्रकाश श्वसन की क्रिया संपन्न करवाने के लिए या होने के लिए हमें तीन प्रकार के कोशिकांगों की आवश्यकता होती है। पहला होता है हरित लवक, दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा होता है पेरोक्सिसोम। ये तीनों जब कोशिकांग उपस्थित होते हैं कोशिका में, तब कहीं जाकर प्रकाश श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो इन तीनों में से जो एक मुख्य कोशिकांग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में ही प्रकाश श्वसन संपन्न होगा। यदि हम तुलना करने की बात करें कि साहब तुलना कीजिए माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने आज पढ़ा है और हरित लवक जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, तो यदि हम उनमें तुलना करें तो दोनों में देखिए आप डीएनए मिलता है, मैसेंजर आरएनए मिलता है, 70S प्रकार के राइबोसोम्स मिलते हैं, इसीलिए ये अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कहलाते हैं। स्वायत्तशासी पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कहलाते हैं। उसका मेन रीज़न क्या है कि इन कोशिकांगों में क्या क्या मिल रहा है स्वयं का? डीएनए मिल रहा है जो कि इम्पोर्टेंट अंगक है। मैसेंजर आरएनए, आप लोग जब आरएनए के प्रकार पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैसेंजर या संदेश वाहक आरएनए पढ़ेंगे, और जहाँ पर मैसेंजर आरएनए बनते हैं उन अंगों के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी संपन्न होता है। तो मैसेंजर आरएनए मिल रहा है, और इसके अलावा मिलते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम। तो ये जो अंगक है इनके कारण ही ये अर्ध स्वायत्तशासी अंगक या कोशिकांग बन रहे हैं। कोशिका विभाजन के समय पुत्री कोशिका मात्र कोशिका से यह अंग प्राप्त करती है। जब हम लोग कोशिका विभाजन पढ़ते हैं, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, तो उससे क्या होता है, जो मात्र कोशिका होती है उस मात्र कोशिका के द्वारा पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, और पुत्री कोशिकाओं में वो सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जो मात्र कोशिका में होते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो हरित लवक था, ये कोशिकांग
मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में पहुंच जाते हैं। कब? कोशिका विभाजन के दौरान। अगला जो कोशिकांग है वो है अंतःप्रद्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रव्यी जालिका देखिए बेटा, अंतःप्रद्रव्यी जालिका या फिर इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब हम इस कोशिकांग पर चर्चा करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्यी जालिका। तो हमने अब तक जो दो कोशिकांग पढ़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, ये दोनों कोशिकांग दोहरे आवरण या दोहरी कला से युक्त थे। लेकिन यदि हम अंतःप्रद्रव्यी जालिका की बात करें तो अंतःप्रद्रव्यी जालिका एक हरे आवरण से युक्त कोशिकांग होता है। और ये कहाँ पाया जाएगा? जब हम लोग कोशिका की स्ट्रक्चर देखते हैं इस प्रकार से, तो ये कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका कला, और इसमें जो केंद्रक उपस्थित होता है इस प्रकार से। अब केंद्रक ये हो गया, तो केंद्रक के चारों ओर मिलने वाली जो झिल्ली है वो है केंद्रक झिल्ली। और कोशिका के चारों ओर मिलने वाली झिल्ली है कोशिका कला। इन दोनों के बीच में जो एरिया मिल रहा है यहां से लेकर यहां तक, वो एरिया होगा कोशिका द्रव्य। और इस एरिया के बीच में आपको इस प्रकार से अनेक नलिकाओं से युक्त संरचनाएं नजर आती हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार की रचनाओं को ही कहा जाता है अंतःप्रद्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा ध्यान देने की बात है, आप भी यदि गौर से देखें तो आप क्या पा रहे हैं कि जो अंतःप्रद्रव्यी जालिका है उसका जो मेन काम है क्या है, आज इसको कुछ देर के लिए भूल जाइए। अपन यदि मनुष्य के शरीर की बात करें तो जैसे आज मनुष्य का जो शरीर की संरचना है बाहर से देखने पर आपको उसकी स्ट्रक्चर समझ में आती है, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि यदि आप मनुष्य के शरीर में से सारा का सारा कंकाल तंत्र निकाल दें, मतलब हड्डियों का जो ढांचा है वो निकाल दें, तो क्या मनुष्य के शरीर की जो संरचना आज हमें दिखाई दे रही है वो संरचना ज्यों की त्यों दिखाई देगी? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की जो संरचना है उसमें अंतः कंकाल हड्डियों का ढांचा महत्वपूर्ण भाग लेता है। ठीक वैसे ही देखिए, कोई भी कोशिका हो, उस कोशिका में अंतः कंकाल का कार्य कौन कर रहा है? अंतः प्रद्रव्यी जालिका, अर्थात कोशिका को एक निश्चित संरचना प्रदान करने का कार्य कर रहा है अंतः प्रद्रव्यी जालिका। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये नाम दिया था पॉल्टर ने। सबसे पहले नाम किसने दिया? ये पॉर्टर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और तीन प्रकार की
झिल्लीयुक्त संरचनाओं से मिलकर बनी होती है अंतः प्रद्रव्य जालिकाएं। वो तीन प्रकार से कौन कौन से? एक तो होता है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो इस प्रकार से ये नलिकाकार संरचनाएं होती हैं जिन पर राइबोसोम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। इस प्रकार से ये हो गया सिस्टर्नी वाला भाग। दूसरा जो पोर्शन है वो होता है पुटिकाएं, पुटिकाएं। किस प्रकार से होगी? यूँ इस प्रकार से एक पुटिकाओं के रूप में जो है कुछ स्ट्रक्चर मिलती है। और तीसरा जो भाग है वो होता है नलिकाओं वाला पोर्शन। जो नलिकाएं होती हैं वो भी सिस्टर्नी की भांति नलिकाकार होती हैं, लेकिन अंतर क्या होता है? ये शाखित होती हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अंतः प्रद्रव्य जालिका इन तीन संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, सिस्टर्नी, पुटिकाएं और नलिकाएं। सिस्टर्नी नलिकाकार रचना होती है लेकिन अशाखित, पुटिकाएं गोलाकार संरचना होंगी और नलिकाएं भी नलिकाकार संरचना होंगी, लेकिन ये किस प्रकार से होंगी? शाखित होंगी। तो इस प्रकार से आगे बेटा हम अगले लेक्चर में इसी पर और प्रकाश डालेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के आज के कोशिकांग ठीक प्रकार से, भली प्रकार से समझ में आए होंगे। धन्यवाद। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है तो विद्यालय के ये मोबाइल नंबर है, इन पर संपर्क करें।